गाइज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ ये ब्यूटीफुल सा आई मेकअप एंड द बोल्ड लिप्स। और पता है क्या, मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ना ईद मेकअप करो, वेडिंग गेस्ट मेकअप करो, तो मैं ना ये 2-in-1 लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना जिस भी सिचुएशन में आपको ये वेयर करनी है। एक्चुअली ये मेकअप लुक ना बहुत कॉमन सा है, आप कहीं भी शादी में जाओगे या यू नो आप कोई भी वेडिंग अटेंड कर रहे हो या आप फेस्टिवल में हो, इंडियन फेस्टिवल, तो आपको ये वाला लुक देखने को ज़रूर मिलेगा। इसमें कोई हैवी ईयरिंग नहीं है, इसमें मैंने मांग टीका वेयर किया हुआ है। ऑल्सो जो आईज़ है, मैंने कोई लैशेज और कोई फॉल्सीज वेयर नहीं किया, ऐसे बहुत नेचुरल लगा, एकदम रियल मतलब प्रैक्टिकली वाला। और रेड लिप्स है क्योंकि हम ज़्यादातर ना जब एकदम न्यूड सा मेकअप करते हैं तो हम न्यूड सी लिपस्टिक लगा लेते हैं, बट आई रियली वॉन्ट टू हैव दिस बोल्ड रेड लिपस्टिक। सो कैसे किया है मैंने, चलो मैं आपको बताती हूँ। यू ऑल नो कि मैं अपने मेकअप को स्टार्ट करने से पहले अपने बेस को हाइड्रेट करती हूँ। इससे मुझे फील ये होता है कि बहुत अच्छा मेरा मेकअप जो है वो लास्ट करता है, ब्लेंड होता है, स्मूथ जाता है फिर सब कुछ। तो इट्स जस्ट अ रोज़ वाटर, यू कैन ऑल्सो यूज़ रोज़ वाटर टू प्रेप योर स्किन एंड ऑल्सो लिप को मॉइस्चराइज कर रही हूँ, मेरे थोड़े ड्राई फ्लेकी हो गए थे लिप्स। नाउ ना मैंने थोड़ा परफ्यूम यूज़ किया है, मैं ये जल्दी दिखाती नहीं हूँ कि मैं परफ्यूम्स यूज़ करती हूँ, बट आई लाइक इट। ऑल्सो ये है पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइज़र, तो अगर आपकी स्किन ऑयली टू कॉम्बिनेशन है देन यूज़ जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र, एंड अगर आपकी स्किन ड्राई या नॉर्मल है तो आप यूज़ कर सकते हो क्रीम बेस। नाउ मैंने ना मॉइस्चराइज़र में ही NYBA का पोर वाला जो प्रो वाला ऑरेंज करेक्टर प्राइमर है वो मिक्स किया, थोड़ा सा एल्यूमिनेटर लिया। अब मैं ना एक अपना DIY बना रही हूँ, इट्स रियली रियली इफेक्टिव। आप देखोगे ना, अभी आपने देखना मेरा जो फेस आपको दिख रहा होगा, थोड़े पिंपल्स हैं, थोड़े से स्पॉट्स हैं, थोड़े से इम्परफेक्शंस हैं। हमें मार्केट में कैसे मिलता है, सूदिंग प्राइमर के बोल के बेचते हैं लोग, और एलिमिनेटिंग प्राइमर, फलाना प्राइमर, ढिमका प्राइमर, एक्चुअली बेसिकली इसी तरह से फॉर्मुलेट किया जाता है। इतना आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो क्योंकि जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हो वो आपके स्किन टाइप के होंगे ना, स्किन इश्यूज़ के लिए होंगे। तो मुझे थोड़ा सा ब्राइटनिंग इफेक्ट चाहिए था, प्लस मुझे थोड़े इम्परफेक्शंस हैं तो इसलिए ऑरेंज कलर मिक्स किया मैंने, ठीक है। और वो प्राइमर भी है सिलिकॉन बेस्ड, तो मेरे पोर्स वगैरह को भी ब्लर्स कर देगा। मॉइस्चराइज़र के साथ ही मिक्स कर दिया ताकि मॉइस्चराइज़र मेरा जैसे जैसे स्किन में एब्जॉर्ब होगा ना, मेरी स्किन के अंदर तक ये भी चला जाएगा। ऑल्सो मैंने इसमें एल्यूमिनेटर भी लगाया, तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको वो ग्लो की ज़रूरत है तो वो हेल्प करेगा। नाउ मैं आज के वीडियो में कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कफ्स एंड लैशेज़ का कवर पॉट्स यूज़ कर रही हूँ। व्हेन आई वांट कि मेरा स्किन बहुत लाइट बेस हो, क्योंकि समर में वी ऑल वांट स्वेट प्रूफ मेकअप, लाइट वेट बेस, ऑल ऑफ दैट, तो ये मुझे इससे मिल जाता है। इसलिए मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं यही प्रोडक्ट लगाऊँ जब मुझे ओनली वन प्रोडक्ट यूज़ करना है। तो आप देख ही सकते हो एकदम जस्ट एक डिप में मेरे फेस को किस तरह से इसने मीडियम कवरेज प्रोवाइड करके एक मतलब एक मोटा मोटी एक अच्छा बेस दे दिया। इट्स नॉट गिविंग मी फुल कवरेज, मैंने ज़्यादा लगाया नहीं है, बट आई एम वेरी हैप्पी विथ माय बेस बिकॉज इट्स वेरी लाइट वेट एंड मुझे इसे बार बार टच नहीं करना पड़ेगा एंड ऑल ऑफ दैट। कंसीलर भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, सेम इसी को यूज़ कर रही हूँ मैं आपको अभी दिखाऊंगी साइड बाय साइड, आप देखना कितना डिफरेंस आ जाता है विथ जस्ट दिस प्रोडक्ट। तो I love it. It's very lightweight. It's giving me a fresh look. It's giving me even a tone without making my base very heavy. है ना? मेरा shade इसमें 9 number है. मुझे 8 और 9 mix करना भी पसंद है. ये NYBA का compact है. जब भी हम अपने face को touch up के लिए करते हैं तो we like to use compact. Otherwise you want कि आप lock कर दो बिल्कुल makeup को, then use loose powder. एंड मैंने यहाँ पे जस्ट टचअप के लिए ही किया है, तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं लग रही थी क्योंकि मेरा बेस जैसे मैंने बोला इट्स वेरी लाइट वेट, तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत लगी नहीं रही थी। और जस्ट मैंने उन एरियाज़ को टच किया है जो एरियाज़ पे मुझे थोड़ी क्रीजिंग की प्रॉब्लम हो सकती थी। नाउ मैंने ये मेकअप रेवोल्यूशन का ब्रॉन्जर, ये पता है 300 का आराम से मिल जाता है, तो सारे प्रोडक्ट्स गाइज ना 300 के अंदर ही हैं। तो मैंने ब्रॉन्जर को अच्छे से अप्लाई किया। अभी ना बहुत सारे लोगों को ब्रॉन्जर यूज़ करना नहीं पसंद है, तो दे कैन यूज़ ब्लश, बट मुझे थोड़ा ब्रॉन्जर लुक अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि दिस वे माई मेकअप लुक्स वेरी नेचुरल एंड मैंने इसे लिफ्टेड वे में अप्लाई करते हुए किया है। और ब्रश जो है ये मार्स कॉस्मेटिक्स का है, ओके, एंड ब्लेंड कर रही हूँ अपवर्ड डायरेक्शन में। एंड आप मुझे अगर आपके पास कोई और टॉपिक्स है यू वांट टू सी तो कमेंट्स में मुझे बताना कि आप नेक्स्ट ये करो, आप नेक्स्ट वो करो। मेरे पास अगर वो प्रोडक्ट होंगे या वो वीडियो टॉपिक में कर सकते हो तो मैं ज़रूर करूँगी। नाउ मैंने नोज़ कॉन्टोरिंग भी हल्की सी किया, स्लाइटली, ज़्यादा नहीं किया है,
थोड़ा हल्का सा ही किया है. बहुत ज़्यादा करना मुझे कभी कभी पसंद नहीं आता. इट्स अप टू माई मूड, आई डोंट नो. तो मैंने बहुत स्लाइट सा किया, उसको मैंने फिर ब्लेंड भी कर दिया है साथ ही साथ में. अभी मैं ना ब्लश ले रही हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है. और अगर आपका मीडियम स्किन टोन है, आपको समझ नहीं आता विच ब्लश टू यूज़, विच ब्लश कलर टू यूज़, तो ट्राई दिस कलर, दिस मेलो वाइन फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड. ओके, एंड ये वाकई में सारी ब्लॉगर, सारी मेकअप इन्फ्लुएंसर्स का फेवरेट है. इट्स जस्ट अमेजिंग. ये बहुत अच्छे से पॉप होता है हमारी इंडियन स्किन टोन पे. इफ़ यू हैव डार्कर या डीपर स्किन टोन ना, ये और भी ज़्यादा खूबसूरत आपकी स्किन पे दिखेगा. ये थोड़ा सा कोरल पीच अंडरटोन में आता है, तो इट्स वेरी वार्म ऑल्सो, तो बहुत अच्छा सा लगता है. एंड इट्स वेरी पाउडरी, तो ब्लेंड भी बहुत अच्छा कर जाता है. नाउ मैं इसे लॉक कर रही हूँ विथ प्रेप एंड फिक्स फ्रॉम ब्लू हेवन. अभी ब्लू हेवन ब्रांड का नेम हो गया ब्लू हेवन एंड, तो ये उसी का रेंज का है. एंड आई लाइक इट. मैं इसे थोड़ा ड्राई करूँगी, फ़ैन कर रही हूँ क्योंकि मैंने ना फ़ैन ऑफ करके शूट किया था. मुझे उस समय बहुत सर्दी थी और अभी भी, मतलब ये वीडियो मैंने लगभग 15 दिन पहले शूट किया और अभी भी मुझे सर्दी है. तो गर्मी में सर्दी क्या कॉम्बिनेशन है पता नहीं. तो अभी ये ड्राई हो नहीं रहा था, तो मैंने इसे छोड़ के मैंने अपने आईब्रोज पे फोकस किया कि टिल देन जो थोड़ा बहुत है वो हो जाएगा. इट्स अगेन फ्रॉम ब्लू हेवन. एक्चुअली इट्स अ गो टू प्रोडक्ट फॉर मी. तो अगर आपको ज़्यादा ऐसे फिल इन, मतलब आपको प्रिसाइजली शेप वगैरह नहीं चाहिए, जस्ट यू वॉन्ट टू फिल इन ना, दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी नाइस. तो ये क्या है ना, ट्रैवल में भी आपने बस रखा, स्पिल वगैरह नहीं होगा, इट्स वेरी नाइस. जस्ट टचअप किया, फटाफट फिल इन हो गया, मतलब जो भी आपके आईब्रोज शेप में है उसको आप फिल कर सकते हो. तो मेरा शेड जो है इसमें ना, मैंने ब्राउनिश ग्रेइश ले लिया है, बट मैं ब्राउन लेती तो ज़्यादा अच्छा लगता, तो इट्स अ ग्रेइश काइंड ऑफ, तो मुझे ज़्यादा पसंद तो नहीं आता, बट हाँ ठीक है, काम चल जाएगा यार, काम चलाना है अपने को बस, और कुछ भी नहीं. नाउ मैंने प्लूम का ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, आई लिटरली लव इट. तो मैं सारे चीज़ों को अपने स्किन पर डैप कर, एंड जस्ट लुक एट माई बेस, इट्स लुकिंग सो लाइट एंड वेरी वेरी नेचुरल ऑल्सो. नाउ ये बैक टू बेसिक्स वाला आई शेडो लिया है, आई थिंक इट्स फ्रॉम मार्स. एंड मैंने ट्रांजिशन में पिंक कलर को अप्लाई किया और आउटर वी पे भी, उसी को धीरे धीरे मैं ले रही हूँ और पिक डेप्थ क्रिएट कर रही हूँ. एंड इसके बाद मैंने ये शिमर वाली शेड को अपने लिड्स पर अप्लाई किया, 1/3 ऑफ द लिड्स इनर कॉर्नर की तरफ में. मैं कोई भी आई लाइनर यूज़ नहीं करूँगी ना, इसलिए मैंने इस तरह से लिफ्टेड वे में अप्लाई किया है. बट यू कैन यूज़ आई लाइनर ऑल्सो, अगर आप नहीं चाहते हो तो मत लगाओ, चाहते हो तो लगा लो. और मैं इसके बाद फेसेस कनाडा का मेरा फेवरेट काजल है, ये बहुत पसंद है मुझे. मैं इससे अपने टाइट लाइन करी और थोड़ा सा मैंने इसे हल्का सा स्मज कर दिया है, थोड़ा सा ना प्रोफेशनल लगता है. नाउ ब्लू हेवन का ये एक्सट्रीम लेंथ मस्कारा है, सचमुच मुझे ये मस्कारा बहुत पसंद है यार, मतलब न्यू लॉन्च हुआ है, कमाल है, बिल्कुल कमाल का है. और इसके बाद मैंने अच्छे से टाइट लाइन किया है, मतलब अच्छे से मैंने अपने मस्कारा को अप्लाई किया है. उसी पैलेट में ना जो बैक टू बेसिक वाला हाईलाइटर शेड था, उसी से मैंने थोड़ा सा, जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, ज़रूर पीछे से पीछे कोई गाड़ी आ जाती है, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है. एनीवेज मैंने हाईलाइटर भी अप्लाई किया और थोड़ा सा मेकअप में जान आ गई है. नाउ रेड लिपस्टिक, मैंने रेड कार्पेट लिया है फ्रॉम लैक्मे. गर्मियों में बेस्ट फॉर्मूला है ये, बेस्ट फॉर्मूला. एंड जरूरी नहीं आप यही शेड लो, इसमें बहुत सारे 30+ शेड्स आते हैं, आप वो देख सकते हो. बट इट्स वेरी लाइट वेट एंड वेरी वेरी नाइस फॉर्मूला इट हैज़. और बस मांग टीका पहन के थोड़ा सा हेयर स्टाइल किया मैंने, कर्ल किया हल्का सा, एंड दिस इज़ डन. मुझे बहुत अच्छा लगा ये मेकअप लुक, इट्स वेरी प्रैक्टिकल. आप अगर डांस वांस कर रहे हो ना वेडिंग ड्रेस में, तो भी आप इसे कैरी कर सकते हो. इट्स एक्चुअली वेरी वेरी प्रैक्टिकल, ईजी, लेस प्रोडक्ट्स वाला मेकअप लुक. सो अगर आपके पास और कोई टॉपिक है, जस्ट ड्रॉप मी इन द कॉमेंट सेक्शन. एंड लुक कैसा लगा ज़रूर बताना. मैं सोनाली मिलूँगी आपसे अगले नए वीडियो में. यार देख तो वीडियो, तो सब्सक्राइब की कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो, थोड़ा सा एफर्ट दे दिया करो, थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो, थोड़ा सा बस प्यार चाहिए आप लोगों का, और कुछ भी नहीं चाहिए. यही एफर्ट हमें आगे पुश करता है. चलो बाय.